आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लगे हुए जिले में लगातार शराब माफियों के द्वारा चोरी छुपे शराब की तस्करी छत्तीसगढ़ में करते हैं, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को मिली। वहीं पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक MCB के द्वारा विशेष टीम गठित कर शराब तस्करों को पकड़ने के लिए रवाना किया गया, जिसमें मनिनगढ़ खड़गवां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश से आने वाले रास्ते में घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस टीम को सफलता मिली। वह दूसरी पुलिस टीम द्वारा बछड़ा पौड़ी में दबिश देकर कुल 35 पेटी शराब पकड़ी गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,87,250 व घटना में उपयुक्त वाहन जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों को धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सूचना मिली थी जिसपे एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसपे दोनों CSP और DSP भी शामिल थे, जिसमें जगह जगह नाकेबंदी की गई और जब दबिश दी गई तो लगभग 35 पेटी गोवा शराब जो MP से लाई जा रही थी उसको जब्त किया गया। एक बुलेरो वाहन जब्त की गई, टोटल कीमत इसकी 7 लाख। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और जांच जारी है।